तो बहुत
थोड़े बहुत क्लीन है। वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े अंदर है, बहुत गलत है, आने जाने में काफ़ी समय काम कर रहा है, पहले बुक कराना पड़ता है। तो अलग ही बहुत बड़ी हुई है, तभी आप बोल रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ गिट्टी आएगी, बस उसमें क्या बोला सर? वहाँ तो ट्रैक है सर, मतलब
प्लीज यहाँ पे खाओ फिर अंदर जाके कहीं बैठ गया हो कैसे बैठ गया तो आपको डेली जितने भी हर्बिवोरस एनिमल है मंकी लंगूर डियर ये जो है शोर मचाते हैं एक दूसरे जानवरों को इंडिकेशन के आसपास जो है खतरा है अलर्ट हो जाइए उससे हमें थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि हमारे आसपास लेपर्ड है या फिर टाइगर तो ना हम क्या करते हैं अगर ऐसी मूवमेंट कहीं मिलती है तो अपनी जिप्सी को ले जाकर बंद करके शांत होकर बैठ जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं करता वो कुछ भी नहीं ऐसा है ना जब तक वो शोर मचाते रहेंगे सर मतलब जब तक उनको नजर आता रहेगा ना टाइगर या फिर उसकी स्मेल आती रहेगी डियर तब तक वो शोर मचाएंगे जैसे ही टाइगर बैठ जाता है तो वो भी शांत हो जाते हैं तो उस समय हमारे पास अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है वहाँ पे वेट करके बैठना पड़ता है कि कब टाइगर बाहर निकल के आएगा कब हम उसको देखेंगे पहला तो हुआ ये दूसरा होता पग मार्ग अगर कहीं से हमें उसके फ्रेश पग मार्ग मिलते हैं तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि टाइगर जो है ज़्यादातर रोड बाय रोड चलता है उसका तो एक रोड बाय रोड या फिर रिवर साइड का एरिया जो होता है क्योंकि रेत वाला होता है ना सर और या फिर कहीं से हाथी गुजरते हैं तो वहाँ से एक बटिया टाइप की बन जाती है रास्ता बन जाता है उनमें चलता है वो झाड़ियों वाले एरिया में नहीं चलेगा क्योंकि उसके जो पग मार्ग होते हैं वो नीचे से सॉफ्ट होते हैं उससे खतरा होता है कहीं कोई कांटा मेरे पैरों में ना चुभ जाए अगर कांटा चुभ जाएगा तो ऐसे ऐसे जगह में नहीं जाएगा जो झाड़ियाँ होती ना कांटे वाली हाँ जी झाड़ियों को वो वहाँ को नहीं जाएगा क्योंकि अगर वो घायल हो जाएगा फिर वो भूखा मर जाएगा अंदर जाके इसलिए जो ये आपको मैप दिख रहा है इसमें देखिए देखिए डेयर वगैरह अलग हो गया है डेयर स्पॉटेड डेयर है थोड़ा रुकते हैं आपका पाँच दस मिनट थोड़ा देखते निकल के नहीं आएगा तब तक हम उसको नहीं देख पाएंगे कौन क्या पता यार परसों दिखा यहाँ पर दिखा इसी वाले उसका बेड है दूसरे जानवर देख के शोर मचाएंगे ना सर क्योंकि शोर अगर मिलेगा तो हम लोग वहीं जाएंगे आप ऐसा भी नहीं है कि टाइगर नहीं दिखता है और उसे गजा गजा की पहली सेटिंग थी जिसमें चार कब और वहाँ मतलब वहाँ मुंबे वाले वहाँ से खड़ा हो गया सिंधारी से पास पहले या यहीं पे वाले आइए अभी लोग दिखे बहुत ज़्यादा हो गया तीन चार दिन तक उसके बाद ना यहीं पे साइडिंग होती है बच्चों के साथ चार कब से ना उसकी छोटा ये करो अभी चार पाँच महीने की वो कब से दिख रहे हैं आपके बाकी ये वाली टाइग्रेस वो अलग है एक टाइग्रेस आगे है उसके साथ सबर्टल हो चुके हैं चार कब से वहाँ का टाइगर जो है टाइगर जो है ये टेरिटोरियल एनिमल है ना टेरिटरी बना के रहते हैं और टाइगर का अलग अलग एरिया होता है हाँ अभी तब तक ढाई साल तक अपनी माँ के साथ ही रहेंगे ना उसी में उन्होंने फुल ट्रेनिंग देगी जंगल के बारे में ये
एक जगह बैठा जाती है। हमको देख के भागेगा नहीं? नहीं नहीं भागेगा, क्योंकि हमें रोज देख रहा है वो, कुछ खतरा नहीं है ना हमसे उसे। ये सवाल क्या करते हैं यहाँ पे आगे? हाँ हाँ चलो 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 जो कल लगाया था लेपर्ड वाला, वो नीचे वाला यहाँ का जी। हाँ जी, पेड़ पर ही रहता वैसे चढ़ जाता है। छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ना सर, अगर सूखे हुए होंगे तो उसमें टाइगर चढ़ जाता है आराम से, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाता क्योंकि उसका जो वेट होता है काफी होता है ना। ये कर रहा है ये एलिफेंट। टाइगर अभी यूज तो नहीं हो चुके ना, यूज तो नहीं है क्योंकि सर ये नया जोन बना है, इसीलिए खाली बना है। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ पेट्रोलिंग हुआ करती थी, थोड़ा समय लगेगा यूज टू होने में एनिमल। वही है मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर तो पकड़, ये मूवमेंट सुननी पड़ती है, पकड़ना पड़ता है इनको। कहीं पर अगर मिलती है तब चांस बढ़ जाते हैं, अगर जंगल शांत है जब तक वो बैठ गया कहीं पे फिर तो मुश्किल ही है जब तक वो चलेगा नहीं। करता है जब टाइगर या लेपर्ड के द्वारा जो मारे गए जानवर होते हैं ना उसके कुछ अवशेष बच जाते हैं, ये उनको खाता है। और कभी कभी जो है ये डियर के जो बच्चे होते हैं उनको ही मारता है।
वैसे ये जोन जो है सर ये 12 महीने ओपन रहता है घर से जोन भी, लेकिन अगर कंटिन्यू 2-3 बारिश पड़ जाती है तो उसको भी बंद करना पड़ता है, रास्ते खराब हो जाते हैं, पानी आ जाता है। जी हाँ जी, स्पॉटेड डियर हमें जहाँ पर भी मिलेंगे सर ये ग्रुप में मिलेंगे, क्योंकि इसका बिहेवियर जो है ग्रुप में रहने का है ना, ग्रुप में ही अपने आप को सुरक्षित सुरक्षित महसूस हो। बीच खड़ी चढ़ाई पर होगी जी, आगे आ जाओ। ठीक है ठीक है, उसके साथ जो उन्होंने शूटिंग की है वो वहीं पे की है। उनको तो दिखा था नहीं, दिखा उनको तो सिर्फ क्या दिखाया है उनको, ना 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 टाइगर नहीं दिखा था, बाकी तो और चीज़ें दिखी होंगी, डियर वगैरह ये तो कॉमन ही है ना सर। करवा दिया उनको, वापस भी जाना पड़ा था, पुलवामा हमला हो गया था ना। उनको दिखना तो कहाँ दिखता है, इतना तो पूरा उनके सिक्योरिटी भी साथ ही चल रही थी, सभी हाँ हाँ सभी को खाली इतनी बुकिंग थी, सबको रद्द किया गया। यहाँ से आराम से चलना ब्रो, है पहाड़ियों में थोड़ा लेपर्ड की साइटिंग इधर होती है ज़्यादातर, कभी कभी यहाँ पर भी दिख जाता है। तो हमला करते हैं जैसे हम लोग डरते हैं ना एनिमल से, क्योंकि हमसे डरते हैं, ये बचाव में करेंगे वो अटैक जब हम उनके ज़्यादा पास में चले जाएंगे। वाला टाइगर जो क्रॉस करता है वो भी तो कर रहा है, ये
भी अकेले रहता है, इसका बिहेवियर ही हो गया ना सोलिटरी। कभी कभी जोड़े में मिलता है, जब इनका मैटिंग सीजन जब चलता है तभी मेल के साथ दिखते हैं, ये जोड़े में है ना अभी। इसकी आवाज़ के कारण ही इसका नाम बार्किंग बियर पड़ा है। जब इसे खतरा महसूस होता है ना, जैसे टाइगर देख लेता है या फिर लेपर्ड, तो ये जो डॉग की तरह बात करता है, इसलिए इसको बार्किंग बियर कहते हैं। हाँ जी, रस्तमोर पर भी होती है, खाना में होती है, बांधीपुर। हाँ जी, टाइगर रिजर्व। कल उन्हीं सफारी में मैंने यहाँ पे पंतनगर के आए थे ना सर, जो वहाँ पे रिसर्च उसके उनको बनाया करें, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, और वो भी उनको सुबह जल्दी जाना पड़ गया शाम की सवारी में, क्योंकि हमको 4 बजे जाना है, फिर दोबारा हम आएंगे कभी समर टाइम में आएंगे। ठीक है सर, इनका टाइम निकाल के आना, क्योंकि जंगल को तो समय देना पड़ता है, जितना हम जंगल को समय देंगे उतनी अच्छी वाइल्ड लाइफ आपको दिख सकती है। हाँ सर, वो भी आते हैं यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनती है ना, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री। वैसे सर उनका जो टाइमिंग रहता सेम रहता है, जैसे हमारा सफारी का टाइमिंग है ना, उसी सफारी का टॉपी है ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए जगह जगह बनाए जाते हैं ना 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में, कहीं से भी। फॉरेस्ट पूरा ओपन है ना सर, कहीं से भी आ जाए। यहाँ पर भी डियर है राइट साइड, डियर में जिनके एंटलर्स है ये मेल है, जिनके एंटलर्स नहीं है ये फीमेल है, इससे भी आप मेल फीमेल की पहचान कर सकते हैं। इसके आगे वाला जो मेल है ना, इसके सींग में देखिए अभी वेलवेट चढ़ी हुई है, वेलवेट। एक बार में ये पेड़ों से रगड़ कर जो है इनको निकाल देंगे, ये तेज हो जाएंगे, और हर साल 1.5 साल में इनके एंटलर गिर जाते हैं। जब फॉरेस्ट में इनके एंटर गिर जाएंगे, जो ऑक्यूपाइन होता है ऑटो वाला सही जिसको बोलते हैं, वो खाता है उसका फूड है जी। हाँ जी, आराम से चलेंगे सुनील भाई। आप जी, हाँ जी, हाँ, जो कल हुई ना साइडिंग यहाँ पर, इसी एरिया में हम लोग आ चुके हैं। पेड़ में जाती थी, पेड़ पर रखा तो और भी जगह हो सकती है। इधर तो देखिए, पीछे करो पीछे करो पीछे करो पीछे करो।
वो दिख रहा है ना, थोड़ा पीछे करो सुनील भाई, यहाँ से साफ दिखेगा, यहाँ से दिख रहा है, बस बस लेकिन वो आएगा नहीं खाने के लिए, अभी नहीं आएगा, पेड़ बार ज्यादा है, वो कहीं पे बैठा होगा पेड़ पर, उस पर बैठा होगा ना 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 ना, ये कल सुबह मारा होगा इन्हें या फिर कल रात मारा होगा, मतलब परसों रात पहले चेक कर लेते हैं और जगह, अगर होगा तो यहाँ पे आते हैं, यहीं से देख लेंगे आगे, हाँ हमने तेरा है यहाँ पे रास्ते में थोड़ा देखते हुए चलेंगे, और ये ज्यादा समय जो है अपना लेपर्ड ज्यादा समय अपना पेड़ों पर ही व्यतीत करता है, यहीं पे रोकना है, ये गाड़ी घूमी है रसीद लगी है, रसीद लगी है, ये है ना लेपर्ड के बगल निशान लगे हुए ना, लेपर्ड का ही मारा हुआ है वो, किधर है फूल है, बहुत तो पड़ा है, बहुत है उसी का, बहुत है वो, तो लेपर्ड का तो निकल के मारो, ये भी लेपर्ड का पंजा, देखो ना वो पंजा दिख रहा है यार, पंजा दे दिया वो लेपर्ड में मार रहा है, एक मिनट सुनिए सुनिए थोड़ा इधर को चलेंगे भाई यार, अब वो दूसरे पेड़ पे बैठ जाएगा जहाँ तक जब तक गाड़ी रहेगी ना वहाँ पे, भी शोर शराबा होगा आगे जी। ये बहुत ही रेयर फाइंडिंग होती है, कभी कभी दिखता है टाइगर से भी कम, इसके नंबर भी कम है, ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं ना, अच्छा दिखते नहीं है टाइगर, मैंने टाइगर ने मार रखा है, बाहर किसे मैच हो जाता है ना इसका कलर, ठीक सीधे चलना, थोड़ा
आगे वाले जो सिविल के पेड़ है ना उसमें बैठा हुआ था, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है जिसका आगे वाले जिनके ऐसे दिख रहा है आराम से बैठे हुआ था। ये टाइगर था गया चलाती है सर इंसान, ये टाइगर था ठीक प्लेस पे होना ना जिससे दोनों फ्लाज हो जाता है आसानी से दिखता भी नहीं आपका गलत तो उसका गलत मैच जाता है। किराए पे चला जाना, किराए से आगे को अरे आंवला तिराया जाना उससे आगे चल जाना। क्या है सेकंड बैंड में बैठा है क्या? बैठा था अब उतर गया था। अरे कन्या दौन है जिसमें हम जीत के कह सकते हैं 50% लेपट दे सकता है। अरे जाओ जाओ किराए भी आओ दूसरे हाथ से आ रहे थे। हमने जो है हमें पता था ना कि साइडिंग कहाँ हो रही है, उस वजह से हमने पहले रिस्क वहाँ का लिया। किराए पे तो क्या है हमारा किराया चले जाना उससे आगे वाले बैंड पे। जो ब्रांच टूटी हुई है ना जहाँ पे खोल है वो बड़ा वाला पेड़ देखिए बैठा हुआ है। हाँ हाँ देखा जाता नहीं ये पेड़ में दिख रहा है लेकिन अभी एक हाँ, देखिए लाइट बुझी थी जानी देखना पड़ता है आपको भी नजर माननी पड़ती है।
मतलब सर बर्ड्स के लिए आएंगे ना तो बर्ड्स में फोकस करना पड़ेगा, कहीं पर रुक के जो है चिड़ियों की आवाज़ सुननी पड़ेगी, वहाँ पर से आवाज़ आ रही है
नहीं, हाँ यहाँ से हमारी गाड़ी, थोड़ी गाड़ी लगा लो, देख लेंगे ये लाउडिंग है यहाँ पे जाना चेक करने के लिए डाल समर टाइम क्यों ग्रांड है ना सर ये तो अच्छा समर में गए अच्छे काम से रहते हैं उसी दिसंबर में तक था टाइगर पानी में बैठा हुआ देखा हमने दिखाने का जो रिवर है सर उसमें नदी क्रॉस करता हुआ जाता था टाइगर हम तो हम जैसे लोगों को है सर जितने कपड़े पहनने के बाद भी हमें ठंडा है ठंड होगी वो तो बने ही है यहाँ पे टाइम लग जाए।